तो जहाँ चलेगा। देखिए कंपोजिशन वो अच्छी मानी जाती है जिसमें क्रिएटिविटी का स्कोप हो। कितना स्कोप है देखिए, तो जहाँ चलेगा, ऐसे भी कह सकता हूँ, तो जहाँ चलेगा। दिस इज द जीनियस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज लेक्चर नंबर 200 हमने मिलकर डबल सेंचुरी कंप्लीट कर लिया दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आप ही की संगीतमय सेवा में आता हूँ, आपका मैं सेवक हूँ संगीत का। बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। और आज का लेक्चर बहुत बहुत ही स्पेशल है दोस्तों, क्योंकि ये लेक्चर मैं ट्रिब्यूट प्रेजेंट कर रहा हूँ आज 14 जुलाई 2021 के इस पावन अवसर पर, 46th डेथ एनिवर्सरी ऑफ लेजेंडरी म्यूज़िक कंपोज़र रिस्पेक्टेड मदन मोहन कोहली सर। जी हाँ दोस्तों, द जीनियस ऑफ मदन मोहन कोहली साहब। ऐसी ऐसी रचनाएं उन्होंने की हैं दोस्तों जो हम कभी भी भूल नहीं सकते। आज भी जो लोग फेमस हो रहे हैं, मैं नाम बताऊंगा उनके कौन कौन फेमस हो रहे हैं, जो क्रेडिट भी नहीं देते उनको, वो उनकी कंपोजिशन की वजह से फेमस हो रहे हैं कई लोग। ऐसी कंपोजिशन जो अविस्मरणीय है, कभी भी हम भूल नहीं सकते दोस्तों। और क्योंकि उनका जो आधार है दोस्तों वो शास्त्रीय संगीत है। शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं दोस्तों तो उसमें एक जटिलता, एक गंभीरता होती है। लेकिन शास्त्रीय संगीत में किस प्रकार एक लाइट का अंग डालना, शास्त्रीय संगीत में मुर्कियों का प्रयोग, एक गज़ल तत्व को डालना, ये हमने मदन मोहन सर से सीखा है। यहाँ तक कि भारत रत्न परम आदरणीय लता मंगेशकर जी ने उनको गज़ल का शहजादा टाइटल दिया। 1950 से आपकी संगीतमयी रचना चालू हुई थी और 1975 में उसको विराम लगा, लेकिन कुछ अनरिलीज्ड कंपोजिशंस भी थी जो कि आज भी हम गाते हैं। आपको याद होगा, तेरे लिए हम है जिए, ये कंपोजिशन रिलीज़ नहीं हो पाई थी, लेकिन वीर ज़ारा में देखिए आप क्या प्रयोग हुआ। कई ऐसी अनरिलीज्ड कंपोजिशंस भी मैं आपको बताऊंगा जो रिलीज़ नहीं हो पाई, लेकिन उनमें आप शास्त्रीय संगीत की खुशबू देखिए। देखिए अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 50 देखा है तो उसमें मैंने आपको रागमाला बताई थी अलाप की। लेक्चर नंबर 100 आपने देखा है तो मैंने उसमें रागमाला बताई थी खमाज की। लेक्चर नंबर 150 में, क्योंकि बिहाग की सीरीज़ चल रही थी 131 से 150, तो उसमें मैंने दोस्तों ताने बताई थी, बढ़त बताई थी बिहाग की। अब क्योंकि डबल सेंचुरी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं तो इसमें भी बहुत ही गज़ब की इन्फॉर्मेशंस मैं आपको देने वाला हूँ। प्रैक्टिकल चीज़ें, कुछ मेरा रिसर्च छोटा मोटा जो मैंने किया है दोस्तों, वो मैं आपके समक्ष शेयर करूँगा एज अ ट्रिब्यूट टू लेजेंडरी कंपोज़र मदन मोहन साहब। तो लेक्चर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो इसको आप शेयर कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि असली देसी घी हमारे संगीत का क्या है। हम आर्टिफिशियल चीज़ों को तो दोस्तों बहुत प्रमोट करते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी कर देते हैं, लेकिन इन चीज़ों से हम अनभिज्ञ रहते हैं, ऐसा क्यों? तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा वाई मदन मोहन सर इज़ जीनियस मिक्सिंग द क्लासिकल एलिमेंट्स इन लाइट म्यूज़िक। अब मैं कुछ उनकी रचनाएं आपको बताता हूं दोस्तों, जो सुनते ही आप वाह वाह करते हैं, सुनते ही आप में एक उमंग उत्साह आ जाता है और एक आनंद की अनुभूति होती है, आत्मा को टच करती है वो रचना। देखिए राग आनंदी कल्याणेक, राग नंद, पहली जो मैं आपको उनकी रचना बता रहा हूं, क्योंकि मैंने पहला पॉइंट क्या ले रहा हूं दोस्तों, मिक्सिंग द क्लासिकल एलिमेंट्स इन लाइट म्यूज़िक, कैसे उन्होंने शास्त्रीय रागों का एक सुंदर तरीके से, एक सहज तरीके से लाइट पक्ष में यूज़ किया। शास्त्रीय संगीत बहुत जटिल है दोस्तों, हर किसी को समझ में ये नहीं आता, लेकिन हर किसी को उन्होंने समझा दिया इन रचनाओं द्वारा। कौन सी रचनाएं? पहली रचना मैं बताता हूँ, मेरा साया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही गैस किया, तो जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया
साया। आप देखिए, आप अगर मैं आपको बंदिश सुनाने लग जाऊं, धने धने भाग नंद को जिनके घर आए शाम, आप इतनी रुचि से नहीं सुनेंगे। लेकिन ये गाना आप आज भी सुनते हैं क्योंकि इसमें राग नंद की खुशबू है। धा परे सा सा गा गा मा 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 गा पा पा नी पा धा मा पा गा। राग नंद का मुख्य अंग क्या है? गा मा धा परे सा गा गा मा गा मा पा धा नी पा धा मा पा गा मा धा परे सा गा गा मा, जो कि कोहली साहब ने दिखाया इस गाने में। देखिए, तू जहाँ अब तू जहाँ धा परे सा सा गा गा मा 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 गा पा पा नी पा धा मा पा गा 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 मा 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 गा पा पा गा गा मा 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 गा धा पा। See the beauty of Raag Nand has been applied in light music. देखिए अंतरा, देखिए, कभी मुझे को याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, मुर्की का प्रयोग देखिए, कभी मुझे को याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू, तुझे इधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा। देखिए कंपोजिशन वो अच्छी मानी जाती है जिसमें क्रिएटिविटी का स्कोप हो। कितना स्कोप है देखिए, तू जहाँ जहाँ चलेगा, ऐसे भी कह सकता हूँ, तू जहाँ जहाँ चलेगा। दिस इज द जीनियस सर मदन मोहन कोहली साहब। अब सेकंड कंपोजिशन में आप बता रहा हूँ दोस्तों, राग पहाड़ी का प्रयोग देखिए मदन मोहन सर ने क्या गजब तरीके से किया दोस्तों। देखिए आप, लग जा गले के फिर ये हसी रात हो ना हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले। अभी देखिए, गरे 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 सा सा रे गरे रे गरे नी धा पा पा धा 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 नी रे नी धा पा 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 धा पा मा गा मा धा पा मा गा मा गरे सा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ राग पहाड़ी। अब ये गाना आपको क्यों अच्छा लग रहा है? राग पहाड़ी शास्त्रीय आधार लिया हुआ ये गाना दोस्तों। हमको अब मुर्कियों का प्रयोग, शास्त्रीय संगीत के साथ मुर्कियों का प्रयोग देखिए। मदन मोहन साहब की खुद के एक्सप्रेशंस, उनकी रूह आपको दिखेगी इस कंपोजिशन में। व्हाई यू लव दिस कंपोजिशन। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, अब जी भर के देख लीजिए, अब ली ली। कितना स्कोप है देखिए, जी भर के देख लीजिए, अब जी भर के देख लीजिए, ऐसे भी ले सकता हूँ, जी भर के देख लीजिए लीजिए लीजिए। दैट इज द स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी विच इज बीन देयर इन दिस कंपोजिशन। तो जी भर के देख लीजिए, हमको
को करीब से लग जा गले। ठीक है दोस्तों, अब तीसरी कंपोजिशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इस कंपोजिशन के लिए नौशाद साहब ने कहा था मदन मोहन साहब के लिए कि मेरी सारी कंपोजिशंस आप रख लो और बदले में मुझे ये कंपोजिशन दे दो। इतनी अहमियत है इस कंपोजिशन की। और देखिए क्या गजब के इसमें वर्जन्स बने हैं, लेकिन पुराना जो बनाया हुआ जो रचना है वो हम कभी हमें बोलना नहीं चाहिए। देखिए, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे दिल किए धड़कन ठहर जा मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। अब ये क्या है दोस्तों, ये राग मिश्र भैरवी है। सारे गामा पाद निशा निधा मागरे सा, ऋषभ शुद्ध प्रयोग हुआ दोस्तों इसमें। अब ऋषभ शुद्ध प्रयोग हुआ है इस कारण से ये मिश्र भैरवी हो रही है, समझ रहे हैं। आसावरी थर्ड भी कई लोग कह सकते हैं, लेकिन अगर मैं स्वरों का लगाव देखूं इसमें तो भैरवी की शक्ल इसमें दिखती है कई जगह, है ना दोस्तों। ये कंपोजिशंस ऐसी हैं हम कभी भी भूल नहीं सकते दोस्तों। अभी जो तीन रचनाएं बताई ये लता जी के गाए हुए थे, लेकिन रफ़ी साहब को भी क्या खूब गवाया है मदन मोहन साहब ने। ये देखिए आप राग भीम पलासी। निशा गा वहाँ पर निशा नि दे सा, ये भीम पलासी के स्वर है दोस्तों। राग की टेक्निकलिटीज पे नहीं जा रहा, और अगर मैं राग की टेक्निकलिटीज पे चला गया और मदन मोहन साहब की एक एक रचनाओं पर अगर आपको मैं बताने लग जाऊं तो दोस्तों लेक्चर 2 घंटे से भी ऊपर बन जाएगा। इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त रूप में उनकी रचनाएं आपसे डिस्कस कर रहा हूं राग बेस्ड। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है के जहाँ मिल गया के जहाँ मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। लगता है कि जहाँ मिल गया। वैसे इसी राग में देखिए, नैनों में बदरा छाए बिजली सी चमकी आए, ऐसे में बलम मोहे गरवा लगा, नैनों में बदराग छाए। ये भीम पलासी का प्रयोग देखिए कितना अच्छा किया मदन मोहन साहब ने। तो कहने का तात्पर्य क्या है, रेयर रागास से लेके प्रचलित राग, साउथ इंडियन रागस क्या गजब की यूज़ की उन्होंने। देखिए, रस में उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे। देखिए गजल का तत्व लाइट म्यूजिक में, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे राग मधुवंती, हालांकि मैं साउथ इंडियन राग्स यूज्ड बाय मदन मोहन साहब उस पर मैं अलग से लेक्चर आपको दूंगा। किन किन को चाहिए ये लेक्चर प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे पता चल पाए कि मेरे सब्सक्राइबर्स की इसमें रुचि कितनी है। तो प्लीज़ आप ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपको इस पर लेक्चर चाहिए कि नहीं। हालांकि मैं 3 पार्ट्स बनाऊंगा इस मदन मोहन साहब पर। एक तो मेरा ये है जीनियस ऑफ सर मदन मोहन, उसके बाद मैं कुछ कॉम्प्लेक्स कंपोजिशंस पे भी मैं बनाऊंगा, कुछ साउथ इंडियन राग्स जो उन्होंने यूज़ किए उन पे भी मैं आऊँगा, रेयर रागास जो उन पे यूज़ जो मदन मोहन साहब ने यूज़ किए उस पर भी मैं लेक्चर बनाऊँगा दोस्तों। बहरहाल अब एक और कंपोजिशन है दोस्तों, जो कि उस्ताद शफकत अमानत अली साहब, देखिए आप श्याम 84 घराने के क्लासिकल सिंगर हैं, इन्होंने ये कंपोजिशन का वर्जन बनाया है। कितनी बड़ी बात है हमारे इंडियन म्यूजिक के लिए। सैल्यूट टू मदन मोहन साहब। अगर मुझसे
मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है अब निजर सदा निरेगा सा मबदा नि मबदा नि पम पगा मारे सदा निरे सा। कमेंट करके बताइए कौन सी राग है, ये आप पर मैं छोड़ रहा हूँ। मदन मोहन साहब की ब्यूटी देखिए कंपोजिशन की। तुम्हारे गम को अपना गम बना लो तो करारे, तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लो तो करारे, वो हर शै जो तुम्हें दुख दे मुझे मेरी सनम दे दो। इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। सो दिस वॉज द ब्यूटी ऑफ रिस्पेक्टेड मदन मोहन साहब। आज के लेक्चर के लिए दोस्तों मैंने कुछ ये जो एकदम फेमस कंपोजिशंस मदन मोहन साहब की हुई, राग बेस्ड कंपोजिशंस, और जो यूज़ किए एज अ वर्जन बड़े बड़े आजकल के फेमस सिंगर्स ने, वो मैंने आज प्रस्तुत करने की कोशिश की दोस्तों। दिस वॉज द जीनियस ऑफ रिस्पेक्टेड मदन मोहन साहब। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको कुछ सेंटिमेंटल कंपोजिशंस पर मैं लेक्चर दूंगा दोस्तों, कि कौन कौन सी वो इमोशनल रचनाएं हैं जिसको मैं रियाज करते या फिर परफॉर्म करते करते भी मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। कौन कौन सी वो कंपोजिशंस हैं जिसमें साउथ इंडियन राग्स जनसम्मोहिनी, कलावती, मधुवंती, शिवरंजनी, ऐसी ऐसी रागें मदन मोहन साहब ने यूज़ की, उस पर भी मैं आपको लेक्चर देता रहूँगा। लेकिन इस लेक्चर को अगर आप अच्छे से सपोर्ट करते हैं तो मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा कि ऐसे लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर्स को मैं आपके समक्ष लाता रहूँ। और हम वर्जन्स को तो बहुत सपोर्ट करते हैं दोस्तों, लेकिन जो असली कंपोज़र है उनको हम क्रेडिट देना भूल जाते हैं, उनको हम अप्रिशिएट नहीं करते, उनकी रचनाओं को हम भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, अभी जितने भी मैंने आपको रागें बताई, चाहे मैंने तुम जो मिल गए राग भीम प्लस ही बताई, इससे पहले मैंने आपको लग जा गले पहाड़ी में बता दिया, आनंदी कल्याण रेयर राग, रेयर राग वैसे शास्त्रीय संगीत में नहीं है लेकिन उसका लाइट में प्रयोग होना यह रेयर चीज़ है, आपकी नज़रों ने समझा मिश्र भैरवी में आपको बताया। तो ये अनमोल खजाना दोस्तों आजकल देखने को नहीं मिलता, आजकल इसकी नकल मार कर उसको मॉडिफाइड कर देते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत साउंड हो चुकी है। पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहले मेहनत थी, पहले मेहनत ज़्यादा थी, टेक्नोलॉजी इतनी सी थी, अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो चुकी है और मेहनत इतनी कम। तो टेक्नोलॉजी इज़ ओवर पावरिंग म्यूज़िक, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो और ओरिजिनल जो कंपोज़र्स हैं उनको आप क्रेडिट दीजिए। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने फेसबुक लाइव किया था और मदन मोहन कोहली साहब का जो ऑफिशियल पेज है, उन्होंने मेरा पेज रिस्पेक्टेड संजीव कोहली जी जो कि सन है मदन मोहन कोहली साहब के, उन्होंने मेरा जो मैंने वर्चुअल ट्रिब्यूट किया था 24 जून 2021 को मदन मोहन साहब के 97 बर्थडे पर जो मैंने ट्रिब्यूट शो किया था, उन्होंने शेयर किया, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। ये देखिए स्क्रीनशॉट भी मैं आपके समक्ष शेयर कर रहा हूँ और ये ऑफिशियल पेज है मदन मोहन कोहली साहब का, मैं इसका लिंक भी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ आप इसको सपोर्ट कीजिए, मेरे को सपोर्ट मत करो लेकिन इस पेज को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, मदन मोहन साहब की रचनाओं को सुनिए। और आज उनकी डेथ एनिवर्सरी पर बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी हैं ऐसे ही अपनी संगीतमयी रचनाओं से हमें आनंदित, हमें हमारी रूह को खाना देते रहें।
और हम उनकी रचनाओं को सुनते रहें, यही मेरा शुभ आशीष है और यही मेरी मनोकामना है। सनम पुरी जी एक बहुत ही फेमस सिंगर, वो दो कंपोजिशंस उन्होंने गाई है, लग जा गले और आपकी नज़रों ने समझा। ये दो कंपोजिशंस देखिए आप, इनकी सुकून है सनम एक प्लेलिस्ट रिलीज़ हुई है, उसमें उनकी मदन मोहन सर की दो कंपोजिशंस है। एक भी इंटरव्यू आप बता दीजिए जिसमें मदन मोहन साहब का सनम पुरी जी ने नाम लिया हो। सेकंड आप देखिए शाम चौरासी घराना के जो पिलर माने जाते हैं उस्ताद शफकत अमानत अली साहब, ये इन्होंने अपने पेज पे पिन कर रखी है कंपोजिशन, कौन सी? अगर मुझसे मोहब्बत है, दरबारी का असर है इसमें। खुद कहते हैं ये कि जिनकी कंपोजिशन है उनका नाम जरूर लेना चाहिए। आप देखिए किसी भी इंटरव्यू में या किसी कॉन्सर्ट में क्या मदन मोहन साहब का ये नाम ले रहे हैं, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा। अपने पेज पे इन्होंने पिन कर रखा है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट दे दिया। थर्ड देखिए ऋषि नित्यानंद जी, आर्ट ऑफ लिविंग से ये कनेक्टेड है। आई हैव नो ऑफेंस अगेंस्ट दीज पीपल, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये लोग फेमस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मदन मोहन साहब का ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, इनके कंधे पर चढ़कर ये फेमस हो रहे हैं। तो आप देखिए कितना क्रेडिट दिया है, ये कंपोजिशंस ये लोग यूज़ कर रहे हैं। ये क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि इसमें शास्त्रीय पक्ष है, ये ज़िंदा है। कोई भी चीज़ राग पर आधारित है दोस्तों, वो लंबे समय तक जिंदा रहती है दोस्तों। वही काम आदरणीय मदन मोहन साहब ने किया। सो रिमेंबरिंग मदन मोहन साहब ऑन 46th डेथ एनिवर्सरी एज ऑन 14 जुलाई 2021, थैंक यू सो मच।